गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है वो है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो चलिए, इसमें हमने टेक्स्ट बुक की 7.1 एक्सरसाइज ली थी, चलिए आज इसी को कंटिन्यू करते हैं और इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करते हैं। तो मैंने बताया था आपको इंटीग्रल्स दो तरीके से, इस दो मेथड्स हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव्स को ढूंढने के। एक है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और दूसरा जनरल मेथड। तो हमने जनरल मेथड्स के कुछ पार्ट कर किए थे, तो आज इन्हीं को फिनिश करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो पहला पार्ट है 14th पार्ट, फाइंड द इंटीग्रल्स। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। अब वी हैव, हमें इंटीग्रल दिया हुआ है 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। तो विच इज इक्वल टू, ये अंडर रूट एक्स को हम पहले इस ब्रैकेट वाले अंदर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स बाहर dx। फिर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स होता है x का पावर 1/2 माइनस x का पावर कुछ ना हो तो 1, x का पावर रूट होता है x का पावर 1/2 dx। अब दोनों को सेपरेट करेंगे, इसको अपना इंटीग्रल देंगे, इसको अपना इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ x पावर 1/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x का पावर 1 + 1/2, इवन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड dx। अब आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन में x का पावर n हो तो n नीचे आता है और x का पावर n में से 1 माइनस होता है, nx n माइनस 1। और इंटीग्रेशन में x का पावर n हो तो n में एक ऐड होता है और वही चीज़ नीचे लिखी जाती है। x का पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n जो है वो x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर x का पावर 1/2 है तो x का पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 माइनस, ये क्या था, इंटीग्रल ऑफ x का पावर 3/2 dx। इसको आगे करेंगे, ये हो गया x का पावर 1/2 प्लस 1 होता है, 2 प्लस 1 हो गया, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 हो गया ऊपर 3 नीचे 2, और नीचे भी 2 1 जा 2, 2 प्लस 1, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 1 3/2 माइनस, यहाँ पर भी x का पावर 3/2 प्लस 1 नीचे 3/2 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि जब इंटीग्रल खत्म हो गया तो c आ गया। तो ये 3/2 ऊपर जाकर 2/3, x का पावर 3/2 माइनस एक्स का पावर 3/2 प्लस 1 होता है, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 हो गया 5/2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 हो गया 5/2, और ये 2/3 एक्स का पावर 3/2, और नीचे जो 5/2 था ऊपर जाकर 2/5, एक्स का पावर 5/2 प्लस सी, दिस इज द सॉल्यूशन। इसी तरह एक और पार्ट हम देते हैं, ये हमारा 16th पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज बार x इंटू dx। तो चलिए, वी हैव, हमें कौन सा इंटीग्रल दिया है, 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज बार x dx। अब इंटीग्रल ऑफ 2 तो कांस्टेंट होता है, ये साथ में रहेगा, और x का पावर कुछ ना हो तो 1, x का पावर 1 है तो 1 + 1/1, इसका इंटीग्रल खत्म, माइनस 3 बाहर आ गया। अब cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, cos किसका डेरिवेटिव है साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव cos है, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स, उल्टा इनवर्स प्रोसेस। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो है वो साइन एक्स, 3 कॉन्स्टेंट सा था, कॉमन था। और ई रेज बार एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेज बार एक्स होता है, और एंटी डेरिवेटिव भी, इंटीग्रल भी ई रेज बार एक्स ही होता है, प्लस जब इंटीग्रल्स खत्म हो गए तो लास्ट में सी। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स का पावर 2, 1 प्लस 1 नीचे भी 2, माइनस 3 साइन एक्स प्लस सीरीज बार एक्स प्लस सी। अब ये 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस सीरीज बार एक्स प्लस सी, दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं, ये आपका 19th पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। आपको पता है सीकेंट का उल्टा कॉस होता है और सीकेंट का उल्टा साइन होता है, तो विच वी हैव इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 बाई कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेकेंट स्क्वायर को हमने लिखा, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को लिखा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे बाय 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके साइन स्क्वायर एक्स बटा 1। अब 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कॉस, साइन बटा कॉस होता है टैन, विच इक्वल इंटीग्रल ऑफ टैन स्क्वायर एक्स। अब टैन स्क्वायर एक्स की किसी का भी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल नहीं है ना, ये डेरिवेटिव है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है फार्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, याद रखना,
वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सो देर हो टेन स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन के बराबर लिखते हैं। तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमेशा सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो टेन स्क्वायर एक्स के बदले हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब सेपरेट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स का अपना इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन का अपना इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ वन इंटू डी एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, टेन का, सो टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो टेन एक्स होगा। तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो टेन एक्स है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन है और वन का इंटीग्रल जो होता है वो एक्स होता है। इसका आ गया टेन एक्स, इसका आ गया वन का इंटीग्रल एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वन का इंटीग्रल एक्स होता है। इसका आ गया टेन एक्स, इसका आ गया माइनस एक्स प्लस सी। तो जो जो प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ समझ आएगा और आपको सब कुछ याद आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, टिप्स होने चाहिए, फिर जाके इंटीग्रेशन आराम से हो जाती है प्लस सी। तो चलिए और एक दो पढ़ लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव रूट एक्स इंटू डी एक्स, वही है, वही हमें दिया है इंटीग्रल। अब टू हमारा बाहर है, इंटीग्रल सबको सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डी एक्स प्लस थ्री बाहर साइन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रल सेपरेट, फाइव बाहर और इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट एक्स का मतलब होता है इसके बाहर वन बाई टू डी एक्स, तो सबके इंटीग्रल सेपरेट किए। तो टू और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रल हटाने के लिए टू प्लस वन नीचे टू प्लस वन इंटीग्रल ख़त्म। थ्री कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वह माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है वो माइनस कॉस एक्स, जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स है, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर नहीं है तो इंटीग्रल में देंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल जो है वो कॉस एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस कॉस एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स का पावर वन बाई टू प्लस वन नीचे वन बाई टू प्लस वन इसका भी इंटीग्रल ख़त्म प्लस सी। तो क्या हुआ, ये टू इंटू एक्स का पावर टू प्लस वन हो गया थ्री नीचे टू प्लस वन हो गया थ्री प्लस, ये माइनस था ये भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी माइनस था ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स का पावर वन बाई टू प्लस वन, टू वन जै टू प्लस वन हो गया थ्री बाई टू नीचे भी टू वन जै टू प्लस वन हो गया थ्री बाई टू प्लस सी हो गया टू बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव इंटू टू बाई थ्री और ये थ्री बाई टू ऊपर जाकर टू बाई थ्री ये फाइव से मल्टीप्लाई होगा, थ्री बाई टू ऊपर जाकर फाइव से मल्टीप्लाई होगा और थ्री बाई टू बन जाएगा ऊपर जाकर टू बाई थ्री एक्स का बाद थ्री बाई टू प्लस सी हो गया टू बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव टू जै टेन बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस सी दिस इज अ सॉल्यूशन। अब इसी तरह इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स इंटू सी एक्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, वी हैव इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब ये सीकेंट पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या सीकेंट इंटू सीकेंट हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रल सेपरेट किया प्लस अब इस सीकेंट को इससे मल्टीप्लाई करके इसका भी इंटीग्रल सेपरेट सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट एक्स पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ सीकेंट एक्स से तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हुआ, फिर सीकेंट एक्स टेन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो सीकेंट एक्स टेन एक्स बन गया, इसका इंटीग्रल सेपरेट हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स और इसका इंटीग्रल सेपरेट। तो हमें पता है टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल होगा टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो टेन एक्स होगा। अब सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है तो सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो सीकेंट, क्योंकि सीकेंट एक्स का नोट डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स जो होगा वो सीकेंट एक्स होगा। तो सीकेंट एक्स टेन एक्स का सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स टेन एक्स और सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल है सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल है सीकेंट एक्स। चलिए इसी तरह एक और हमारे पास इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ टू माइनस थ्री साइन एक्स की पार्ट हमारा ट्वेल्थ ट्वेंटी पार्ट है,
2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, वी हैव इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले इन दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, पहले 2 को करेंगे, अगर 2 इंटू 1 नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू 1 इंटू साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको 2 बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर आएगा तो सेकंड कॉस का उल्टा सेकंड होता है, सेकंड का उल्टा कॉस, ऊपर आके सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स उल्टा है तो सीधा करेंगे तो ऊपर आके बन जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाय 3 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 2 हैं एक एक सेपरेट करेंगे, नीचे लिखेंगे 3 इंटू 1 बाय कॉस एक्स, एक कॉस एक्स इधर रखा है इंटू एक साइन बटा दूसरे कॉस एक्स को साइन के नीचे, तो कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, तो एक 1 के नीचे रख दिया और दूसरा साइन के नीचे रख दिया, तो क्या हुआ ये 2 इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू सिक 1 बाय कॉस एक्स का उल्टा जिस तरह 1 बाय सेकंड स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर का उल्टा सेकंड स्क्वायर एक्स, इसी तरह 1 बाय कॉस का उल्टा सेकंड एक्स और साइन बाय कॉस होता है टेन एक्स। अब हमें पता है टेन एक्स का डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा टेन एक्स, तो 2 टेन एक्स माइनस सेकंड एक्स टेन एक्स का आपने देखा डेरिवेटिव होता है, सॉरी सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स टेन एक्स और सेकंड एक्स टेन एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स। अभी आपने देखा सेकंड एक्स टेन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड एक्स। तो आंसर क्या आया 2 इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया टेन एक्स माइनस सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एक्स टेन एक्स, तो सेकंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेकंड एक्स, तो माइनस 3 सेकंड एक्स प्लस सी, इसका सोल्यूशन आ गया टेन एक्स और इसका आ गया सेकंड एक्स प्लस सी, दिस इज द सोल्यूशन। अब चूज द करेक्ट आंसर, ये एक इंटीग्रल दिया है इसका एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल ढूंढना है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, चार आंसर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रल ढूंढेंगे, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय रूट ऑफ एक्स, इंटीग्रल के साथ ये डी एक्स भी होता है, एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। तो क्या करना है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का पावर 1 बाय 2 डी एक्स, साथ में इसको सेपरेट किया प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, नीचे होगा 1 बाय 2, ये जो एक्स का पावर 1 बाय 2 नीचे ऊपर आके हो गया माइनस 1 बाय 2, एक्स का पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू डी एक्स, आगे आपको पता है इसको प्लस 1 करके नीचे 1 बाय 2 प्लस 1 नीचे 1 बाय 2 प्लस 1 इंटीग्रल खत्म, इसे भी एक्स का पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 नीचे भी माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी, तो इंटीग्रल खत्म, जो भी सोल्यूशन आपको आएगा वो टिक कर दो, ऐसे मैंने आपको ये सोल्यूशन है और इसका सोल्यूशन यही आना चाहिए, सो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। सो इसी के साथ हमारा ये टॉप जो हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो गई, इसके अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, जो पार्ट्स एक दो तीन रह गए हैं उनको अच्छी तरह सॉल्व करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अपने होम असाइनमेंट डेली करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ताकि टेस्ट में आपके मार्क्स पूरे पूरे आएँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।